इस अध्याय में हम अनियर प्रत्यय के विषय में विस्तार से जानेंगे। अनियर प्रत्यय में से र हट जाता है, अनीय बचता है। उदाहरण के रूप में देखिए, क्रीड जमा अनियर क्रीडनीय, खेलना चाहिए। नी जमा अनियर नयनीय, ले जाना चाहिए। छिद जमा अनियर छेदनीय, काटा जाना चाहिए। दा जमा अनियर दानीय, दिया जाना चाहिए। भक्ष जमा अनियर भक्षणीय, खाया जाना चाहिए। अब हम यत प्रत्यय के विषय में जानते हैं। यत प्रत्यय केवल ऐसी धातुओं में जोड़ा जाता है जिनके अंत में कोई स्वर हो या जिनके अंत में पवर्ग का कोई अक्षर हो और उपधा में अकार हो। यत के पूर्व स्वर को गुण हो जाता है। यदि यत के पूर्व आ हो तो उसके स्थान पर पहले ई होती है और फिर गुण होकर ए हो जाता है। यत के पूर्व यदि धातु का अंतिम स्वर ए, ऐ, ओ या औ हो तो उसके स्थान पर ई हो जाता है और फिर गुण होकर ए हो जाता है। जैसे दा जमा यत, अब यहां पर यत से पहले दा के आ को ई हो गया, फिर रूप बना द ई य दे। गई जमा यत ग ई य गे। छो जमा यत छ ई य छे। ची जमा यत चेय। सप जमा यत सप्य। जप जमा यत जप्य। लभ जमा यत लभ्य आदि। लभ धातु के पूर्व यदि आ उपसर्ग हो या प्रशंसार्थक उप उपसर्ग हो और यकारादि प्रत्यय हो तो मध्य में नुम यानी नौ हो जाता है। जैसे उपजमा लभ जमा यत, अब यहां पर प्रशंसा योग्य में है इसलिए नुम का आगम हो गया और इसका रूप बना उपलम्भ्य, प्रशंसा योग्य। और जब प्रशंसा योग्य न हो तब इसका रूप बनेगा उपलभ्य, उलाहना देने योग्य, यह रूप बनेंगे। अगले अध्याय में हम क्यप प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।